नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विसर्ग संधि अपन शुरू कर चुके हैं और विसर्ग संधि का एक वीडियो मैं अपलोड भी कर चुका हूं, जिसमें अपन ने जो उत्व संधि है, सत्व संधि है और विसर्ग संधि है, उसके बारे में आपको मैंने डिटेल से बता दिया है विथ ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में अपन रुत्व संधि और लोप संधि के बारे में देखेंगे। थोड़ी सी ट्रिक्स इसमें भी मैं आपको बताऊंगा और इसी के साथ अपनी जो संधि का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि स्वर संधि व्यंजन संधि आपको करवाई जा चुकी है बिल्कुल रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, रुत्व संधि जो है वो क्या है, उसका सूत्र क्या है, इचो असी विसर्गस्य रेफ है, यानी कि अ आ के अलावा कोई स्वर यहाँ पे हो सकता है। पहले क्या हो सकता है, यहाँ पे अ आ के अलावा कोई भी स्वर शब्द के अंत में हो सकता है, उसके आगे क्या लगा होगा, विसर्ग लगा होगा, और इसके बाद जो है तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो सकता है किसी भी वर्ग का, ये र ल व है हो सकता है या फिर कोई भी स्वर हो सकता है। तो क्या होगा, विसर्ग का र आधा र हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा र हो जाता है। जैसे कवि प्लस जयति, यहाँ पे देखिए ई की मात्रा है, ई है आपका, अ आ के अलावा कोई भी स्वर यानी ई आ गया यहाँ पे, उसके आगे विसर्ग है, आगे आपका च छ जय यानी कि तीसरा वर्ण, च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो आपका क्या होगा, तो विसर्ग का र हो जाता है, जो विसर्ग है उसका क्या हो जाता है, र। तो कवि आगे आ गया आधा र और जयति, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अब ये आधा र है या अपने अगले वर्ण पर जाता है तो जय के ऊपर चला जाएगा, कवीर जयति ये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मुनिरिति, मुनिरिति को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, मुनिरिति देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मुनिरिति इस प्रकार से शब्द लिखाएगा, मुनि रीति। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे जो है आपका आधा रह जो है वो किस में आपका मिल गया, ई के अंदर। देखिए यहाँ पे ये जो रह है, ये अगले वाली जो ई है, ये ई अपने पूर्व वर्ण में जो स्वर होता है वो अपने पूर्व वर्ण में मिलता है हमेशा, तो ये ई जो है, ये स्वर जो है, ई स्वर जो है वो आपका रह में मिल जाता है और ये री बन जाता है, इस प्रकार ये मुनि रीति बना। बाकी इसका विच्छेद क्या होगा, मुनि प्लस इति, तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मुनि रीति का क्या बनेगा, मुनि प्लस इति। फिर है भानुरसव, भानुरसव यहाँ पे देखिए आप, भानुरसव में क्या होता है कि जो आपका र जो है इसमें अ मिला हुआ है, भानु प्लस असव, आपको जो र यानी कि र का कोई भी रूप, र किसी भी मात्रा के साथ हो या कुछ कोई भी रूप हो, अगर ये दिखाई आपको दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है, हो सकता है यहाँ पे विसर्ग संधि आपको नज़र आ जाए, जैसे भानुरसव में भानु प्लस असव हो जाएगा, ठीक है। एतेर भक्षित, भक्षितमय, भक्षितम, ठीक है, ये एतेर भक्षितम है तो इसका बन जाएगा एतई प्लस भक्षितम, ये जो रह है आधा, ये यहाँ पे आपका विसर्ग के रूप में बन जाता है, रह के जगह क्या लगता है, विसर्ग लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका था विसर्ग का रुत्व संधि का नियम, और इसके अलावा एक और नियम है रुत्व संधि में जिसका सूत्र है, रोरी रेफस से रेफे परे लोप से आते, यानी र के बाद र आए तो र का लोप हो जाता है तथा र पूर्व स्वर को दीर्घ कर देता है। पहचान क्या होगी दोस्तों, विच्छेद करते समय क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कवि, कवि रचयति, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि रुत्व संधि है, तो दोस्तों देखिए जो र है यहाँ पे, इसके ठीक पहले वाले सब वर्ण को अपने को देखना है, र के ठीक पहले वाला वर्ण अगर आपका दीर्घ आ रहा है, यहाँ पे स्वर की जो मात्रा है वो दीर्घ अगर है, तो दोस्तों वहाँ पे आपकी रुत्व संधि का जो र वाला नियम है, र के लोप वाला नियम वो लग सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि र के बाद अगर र आ रहा है किसी शब्द में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आधा र है उसका लोप हो जाता है, जैसे कवीर प्लस रचयती, कवीर प्लस रचयती में जो दो र एक साथ यहाँ पे बन रहे हैं दीक, ठीक है, तो ये जो आधा र है इसका तो लोप हो जाएगा, तथा र पूर्व स्वर को दीर्घ कर देता है। पूर्व स्वर कौन है, पूर्व स्वर है आपका यहाँ पे ई, छोटी है कवि में जो व के साथ जो मात्रा लगी हुई है ई की, ये छोटी ई की मात्रा इसको दीर्घ कर देगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए कवि की मात्रा क्या है, दीर्घ मात्रा है ई की, तो कवि रचयती बन जाता है। वैसे कवि की मात्रा छोटी होती है लेकिन यहाँ पे दीर्घ आई हुई है, तो यही अपने को पहचान करना है। और विच्छेद कैसे होगा, कवि रचयती का जो ई की मात्रा है वो तो अपने को कर देनी है छोटी, और इसके आगे क्या लगा देना है, विसर्ग लगा देना, बाकी ऐसे कैसा लिख देना है, कवि प्लस रचयती, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अपना विच्छेद। इसी प्रकार भानु राजते, अब भानु में देखिए ऊ की मात्रा आपकी यहाँ बड़ी आई हुई है, वैसे आती है छोटी, तो क्या बनता है, भानु
92 प्लस राजते अपना बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि र से ठीक पहले वाले वर्ण को देखना, अगर आपकी जो मात्रा है वो दीर्घ है तो वहाँ पे आपका रुत्व संधि का ये र वाला नियम लगने की संभावना होती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं लोप संधि की, और लोप संधि में भी दोस्तों तीन नियम अपने को पढ़ने होंगे। पहला नियम क्या है रुत्व संधि आपका लोप संधि का, लोप संधि का जो अपना पहला नियम है वो है आतोसी विसर्गस्य लोप है। आतोसी विसर्गस्य लोप है अर्थात आह अगर वर्ण हो आपका भाई, लास्ट में स्वर हो आ है, प्लस स्वर आ जाए इसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए या फिर ये र ल व ह आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी विसर्ग गायब हो जाता है। जैसे बाला प्लस अत्तर, बाला में ल में आपकी आ की मात्रा है और आगे विसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद स्वर आया हुआ है, तो नियम क्या है अगर आह के बाद में आपका स्वर आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो यहाँ विसर्ग हट जाएगा, बाकी ऐसा कैसा लिख देंगे बाला अत्र। ठीक है, लेकिन अपने जो सिलेबस में वो क्या विच्छेद करना है, जैसे शब्द दे रखा है ता गच्छन्ति, तो देखिए ता गच्छन्ति में आपको क्या करना है, यहाँ पे 100% आपको क्या मिलेगा अगले वाला जो शब्द है वो आपको एक शब्द जो जिसका लास्ट मात्रा आपको क्या मिलेगी आ की मात्रा मिलेगी, तो यहाँ पे ता गच्छन्ति है और इसके बाद या तो आपका आपको स्वर नजर आएगा या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर ये अलावा है में से कुछ नज़र आएगा, तो 100% वहाँ पे आपका लोप संधि का नियम लगेगा और ता के आगे अपन विसर्ग लगा के बाकी ऐसा कैसा लिख देंगे ता प्लस गच्छन्ति, जैसे रामा आगच्छति रामा प्लस आगच्छति ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लोप संधि का नियम भी पूरा होता है। एक और नियम है लोप संधि में, वो क्या है अ के आगे अगर अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए ध्यान से, राम प्लस आगच्छति राम आगच्छति ये बन जाएगा, राम प्लस आगच्छति तो राम आगच्छति बन जाएगा, यानी कि अह के बाद में अगर अह को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग का लोप होता है। जैसे कृष्ण एति है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कृष्ण प्लस एति का कृष्ण एति यहाँ पे बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एतत् व तत् शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे लोप संधि में, दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसको कि एतत् व तत् शब्द, तत् शब्द कौन से, जैसे स तौ ते तम तौ तान है ना, वो शब्द जो होते हैं उनको एतत् व तत् शब्द, अपने सर्वनाम जो अपन ने जब पढ़े थे उसमें पढ़ाया था मैंने एतत् और तत् शब्द, तो एतत् व तत् शब्द के बाद विसर्ग का लोप होता है यदि उसका योग व्यंजन से हो। मतलब यहाँ पे तो पहले तो क्या होगा एतत् या तत् शब्द होगा, उसके बाद जो ये पहला जो वर्ण है ये कोई व्यंजन होना चाहिए आपका, ठीक है, तब क्या होता है आपके विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे स प्लस तत्र है तो स तत्र यहाँ पे बन जाएगा सीधा, ऐसा विष्णु ऐसा प्लस विष्णु, स आगच्छति स प्लस आगच्छति। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सा नियम लगा है, यहाँ पे आपका ये वाला नियम लगा है ऊपर वाला, ठीक है, स आगच्छति में स आगच्छति ऐसा विष्णु स तत्र तो स प्लस तत्र, यानी कि आपको शब्द में अगर एतत् और तत् शब्द दिखाई दे रहे हैं तो अपने वो कुछ नहीं करना, जो शब्द दिखाई दे रहा है उसमें विसर्ग लगा के बीच में प्लस लगा देना, वही विच्छेद अपना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी विसर्ग संधि आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ अपनी व्यंजन संधि विसर्ग संधि आपकी स्वर संधि कंप्लीट होती है। और दोस्तों काफ़ी सारे वीडियो संधि के बन गए हैं, अब एक वीडियो इनके टेस्ट से संबंधित भी मैं आपका लूँगा जो कि कल आएगा आपका, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में संधि के क्वेश्चंस के साथ। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो उसके शेयर करें लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।